trennbar und nicht trennbar. Trennbar का मतलब हो गया सेपरेबल, ऐसी वर्ब्स जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और जब इनको सेपरेट करेंगे तो ये प्रीफिक्स जो है इसका, ये प्रीफिक्स बाई, अन, आउस, अब, आउफ, मिट, नाक, फोबाई, लॉस, सू, वैग, सुरुक, सुजामन, इस तरह के प्रीफिक्स हैं, ये पार्ट लास्ट में आएगा। जैसे बाई थ्रेटन, बाई थ्रेटन का मतलब हो गया टू ज्वाइन, कोई चीज एंटर करना। इनके एक बार मीनिंग लिखता हूं आपको आपके सामने, टू ज्वाइन। अनकॉमन इज टू अराइव, पहुंचना। अउस्माखन, कोई चीज को ऑफ करना, अउस्माखन। अनमाखन, औसीहन, अउस्माखन, औसीहन, मतलब जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया अउस्माखन, औसीहन, इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं हो सकते, पता नहीं कितने हो सकते हैं, आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा। जैसे कपड़े पहनना होता है अनमाखन, अनसीहन एक्चुअली, राइट। अनमाखन तो ऑन करना होता है कोई चीज को, लाइट ऑन की है ना, कोई चीज टीवी ऑन कर दिया, अनमाखन का कॉन्टेक्स्ट है वो। आइन साल्टन, आउस साल्टन, सो आइन भी लिखा क्या मैंने इसमें, आइन नहीं लिखा, आइन नहीं लिखा, आइन साल्टन, आउस साल्टन, तो एक आइन भी लिख देता हूं, आइन साल्टन, आउस साल्टन, आउस माखन। सो ऐसे बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, आउस साल्टन, ये वाला इसलिए ले रहा हूं ताकि आप कनेक्ट करके इसको लर्न कर लो। आइन साल्टन का मतलब होता है जैसे स्विच ऑन करना, और आउस साल्टन स्विच ऑफ करना कोई चीज का। तो स्विच ऑफ करना, और इसका स्विच ऑन करना कोई चीज का। सुजामन गेहन, सुजामन माखन, मिलके कोई काम करना, मिलके साथ में जाना, टू गो टुगेदर। माखन टू मेक होता है, तो कोई चीज साथ में, टू डू, टू डू समथिंग टुगेदर, टुगेदर। शुरू कॉमन का मतलब टू कम बैक, अब कोई बोले शुरू गेहन टू गो बैक, तो शुरू कॉमन, टू रिटर्न, टू कम बैक, टू कम बैक, वापस आना। विग गेहन, चले जाना, टू गो अवे, दूर जाना। सू माखन, सू माखन, सू जागन, राइट, इस माखे था सू, जैसे टू क्लोज के कॉन्टेक्स्ट में। औफ माखन का ऑपोजिट, औफ माखन लिखा क्या मैंने, औफ ह्यूरन लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसका मतलब है जैसे मैं बोल रहा हूं औफ माखन, सू माखन, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, आपको एक दो आ गए तो समझ लो आप बाकी भी समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सू माखन का मतलब हो गया टू क्लोज, गेट क्लोज कर रहा हूं मैं। लोस गेहन, ये गेहन लोस का मतलब है टू स्टार्ट कोई चीज को, स्टार्ट करना, या किसी किसी के मल्टीपल मीनिंग भी आ सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने एक बोला और हो सकता है चार मीनिंग निकल रहे हो, तो समझदारी ये रहेगी dict.cc, dict.cc, ठीक है, क्योंकि कई बार मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं किसी किसी वर्ब के। तो लॉस गेहन का मतलब टू स्टार्ट, जैसे कोई बोलते हैं रेडी स्टडी गो, सो लॉस गेहन, ये गेहन लॉस। फोर बाई गेहन, पास से निकल जाना, टू गो, टू गो राइट, फोर बाई मीन्स अक्रॉस, सामने से निकल गया आप, टू गो अक्रॉस। नाक डेंकन का मतलब है टू थिंक अबाउट। मिट माखन, अगेन टू ज्वाइन, यू कैन से पार्टी में मैं भी आ रहा हूं, इस माखे मिट। आउफ ह्यूरन का मतलब है
टू क्विट, टू स्टॉप. अब जागन का मतलब है टू से नो, टू से नो बोल दो, टू डिनाई बोल दो, मना करना कोई चीज के लिए, ऐसे ये इनके मीनिंग हो गए. एक एक मीनिंग इनका भी एक एक वर्ब लिख के मैं बता देता हूं यूज कैसे करेंगे, बताता हूं आपको. जैसे मान लो मैंने बोल दिया मैं गेट को बंद कर रहा हूं, टू क्लोज, क्या वर्ब हुई? सुमाखन वर्ब है, सुमाखन. तो ट्रेन बार वर्ब का मतलब हो गया. एक मिनट यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं. सुमाखन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सु है ये सेंटेंस के एकदम लास्ट में आके और वहां पे फुल स्टॉप लगेगा. कंजुगेशन करेंगे अपन, रो वर्ब का कंजुगेशन करते हैं, जैसे ई एस टी 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 ऐसे लगाते हैं, वो इसके लगाएंगे. जैसे मैंने बोला मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, एश इश माख है दी ट्यूअर सु, यहां पे फुल स्टॉप लगेगा. तो आपको ऐसे धोखा हो सकता है. आप देखो यार ये सू तो मैंने प्रीपोजिशन पढ़ी थी, तो ये प्रीपोजिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये दिखती है. क्योंकि आप ये सोचना, अगर ऐसा दिमाग में आए तो ये सोचना प्रीपोजिशन लास्ट में कहां आती है. लास्ट में तो कोई एंटलांग और गेगन्यूबर, ये दो प्रीपोजिशन आपको लास्ट में दिखती है जनरली. अदरवाइज तो दिखने में ऐसे लगेगा कि सू प्रीपोजिशन नाक औफ अब आउस आन बाई, अरे ये तो प्रीपोजिशन है, ऐसे लगेगा, लेकिन है नहीं है. ध्यान रखना इनका प्रीपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है और वैसा मीनिंग भी नहीं निकलता इनका. सो इश माखे दी टूअर्ड सू, सू का मतलब यहां पे हो गया क्लोज. तो ये माखन यहां पे रह गई और सू ये. ट्रेन बार का मतलब है ये वर्ब सेपरेट हो गई, इससे बिछड़ के यहां लास्ट में आ गई. इश माखे दी टूअर्ड सू, और कुछ भी आ सकता है. सू के साथ जागन भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है. सू माखन की जगह कभी आपको सू जागन भी दिखे तो टेंशन में मत आ जाना. ये तो एक एग्जांपल बताया आपको. सू जागन का मतलब है कोई बात की हां करना. यार पापा ने तो हां कर दिया, माइन फाटर जाक्ट सू, अब मैं भी पार्टी में आ सकता हूं. अर्थ कैसे निकल रहा है इसके लिए आपको पता चलेगा. एक तो आप टीचर जो लिख देते हैं उसको आप लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा. दूसरी बात, आपके पास एक dict.cc है, उसमें चेक करेंगे मीनिंग. तीसरा, बार बार में टेक्स्ट दिखेगा आपको बुक वगैरह में, तो कहीं पे कुछ तो मीनिंग आ ही रहा होगा ना उसका. ये मैं आपको ये सिखा रहा हूं तो आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में ऐसे आएगा जैसे वो आता था पहले हमारे तीसरी क्लास में आता था, टीचर दे देता था कि अब इसकी वर्ब भरिए, ऐसा कुछ नहीं होता. ये आपको सारा इसलिए सिखाया जाता है कि एग्जाम में मान लो कोई टेक्स्ट आया, आप उसको समझ जाओ कि अच्छा इसका मतलब ये था, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हो तो आप कर सको. कोई बोले तो आप उसको समझ जाओ, उसका जवाब दे सको. ये इसलिए, ये इस तरह के टेस्ट आपके अपनी एप्लीकेशन में तो आ सकते हैं. एप्लीकेशन में कभी कभी ग्रामर के टेस्ट आते हैं, उसमें तो आपको इस तरह के आ सकते हैं. लेकिन फाइनल एग्जाम, ग्योते का एग्जाम या कोई और इंटरनेशनल एग्जाम, उसमें जनरली ग्रामर का इस तरह से टेस्ट नहीं होता. टेस्ट उसमें ओवरऑल टेस्ट होता है जिसमें पता चल जाता है उनको आपकी ग्रामर. ओके, कोई पूछना चाह रहा है? सुजामन माखन एक वर्ब है, सुजामन गेहन एक वर्ब है, सुजामन टुगेदर, तो इसके कई वर्ब लग जाती हैं साथ में. हर बार इनका अर्थ अलग निकलेगा, अगर नया कॉम्बिनेशन है तो अलग ही निकलेगा. बिल्कुल, जैसे मान लो सू के साथ माखन लग गया तो अलग मीनिंग है, सू के साथ जागन लग गया तो अलग मीनिंग है, सू के साथ कोई तीसरा आ गया तो अलग मीनिंग होगा. लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वर्ब है, ये आपको दिखेंगी. ऐसे कोई बेहतर तरह की भी नहीं आने वाली है. ठीक है, सो अभी मैं यहां पे लिखता हूं, एक एक वर्ब लिख देता हूं. ये निश्चित ट्रेन बार है, मतलब ये सेपरेट नहीं होती हैं. इनको सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो जग हंसाई हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं वो अलग. जैसे मान लो कोई मिश फरब्राउखन या मिश फस्टेहन फर्स्ट हैं,
अब इसको ऐसे मत कर देना, इस फर्स्ट टाइम मिस ऐसे मत कर देना, ये एक साथ ही होगा। यस, मिस फर्स्ट है, एक साथ ही आएगा। एम फेलन मीनिंग लिखता हूं, एम फेलन, एंट गेहन फॉर एग्जाम्पल, इसके भी मल्टीपल आ सकते हैं एंट एम्प, और इससे जैसे गिफालन करके कोई वर्ब हो गई, जैसे बिकॉमन करके कोई वर्ब हो गई, बिकॉमन, सर्ब्रेशन कोई होगी, सर्ब्रेशन, सरस्ट्यूरन कोई वर्ब होगी, सर्ब्रेशन, सरस्ट्यूरन, सरस्ट्यूरन, फर्गेशन कर वर्ब होगी, फर्गेशन, अराइसन करके कोई वर्ब होगी सपोज। अब मैं इनको अंडरलाइन तो कर देता हूं कि आपको पता चले कि यहां तक ये इसका, हाँ तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है अपने को, डाटिव है, बिल्कुल है डाटिव, अकुजाटिव, नॉमिनेटिव की बात तो अलग है ना, उससे तो हम केस डिसाइड करते हैं कि इसके बाद में क्या करेगा, अकुजाटिव लोगे कि डाटिव लोगे कि, उससे तो केस डिसाइड होता है। अब उस उसी में कुछ वर्ब इस तरह की हैं, ठीक है, तो ये तो इनके हो गए प्रीफिक्सेस। सो मैं आपको दो तरीके के प्रीफिक्स लिखवा रहा हूं कुल मिला के, एक ऐसे प्रीफिक्स हैं जो सेपरेट होते हैं और दूसरे वाले हैं वो सेपरेट नहीं होते, ये लिखवा रहा हूं आपको मैं, सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये वाले निस्त्रेन बार का मतलब है कि सेपरेट नहीं होंगे, जैसे बिकॉमन है, बिकॉमन का मतलब है टू गेट, टू गेट, कुछ प्राप्त करना। तो अब ये होगा आई गेट मनी, आई गेट इश बिकॉम है दस गिल्ड, अब बिकॉम में होगा, ऐसे मत कर देना इसको मैं बे, ऐसे मत कर देना, राइट। सर स्टोरन का मतलब है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीटली। फॉरगेशन का मतलब है टू फॉरगेट, अराइशन का मतलब है टू रीच, गिफालिन का मतलब है पसंद आना, टू प्लीज, एंट गेहन का मतलब है बच निकलना, टू एस्केप, एम्फेलन का मतलब है टू रिकमेंड, मैं तुमको रिकमेंड करता हूं ये किताब, ये किताब पढ़ो, ये फिल्म रिकमेंड करता हूं, ये फिल्म देखो बहुत मस्त है। सो मिस फर्स्ट टेन का मतलब हो गया टू मिस अंडरस्टैंड, रिकमेंड आएगा, रिकमेंड, यस यू आर राइट, एम्फेलन इज टू रिकमेंड, रिकमेंड करना, ये मेरे को किसी ने आपको मुझे रिकमेंड किया, राइट मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड करता हूं, यस प्लीज, फर्स्ट ये वाला फिर से बोलो एक बार, सर स्ट्यूरन का मतलब है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से तबाह कर देना, एस्केप का मतलब बच निकलना, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ने की कोशिश करी, नाकाबंदी भी करी, सारे लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, बट पता नहीं कहां गया वो, तो बच निकला यार, फिर बच निकला, बच निकलना, एस्केप। और अराइशन का मतलब टू रीच, पहुंचना, ये हां कि ट्रेन, ट्रेन 10 बजे है, अपन तो यार टाइम पे मुश्किल ही पहुंचे, है ना। सो ये ट्रेन बार और निस्त्रेन बार है वर्बन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको यही देखना है कि ट्रेन बार के एग्जांपल की जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के एकदम लास्ट में चला जाएगा, और निस्त्रेन बार में वो एज इट इज रहेगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लिया हमने, ये तो इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल है, इश
इस बिको में आई एम गिविंग इस बिको में 10 पैकेट बिकॉमन का क्या मतलब होता है तो नई बात कहां से आई इसमें मेरे को आई एम गेटिंग द पैकेट मेरे को ये पैकेट ले रहा हूं मैं आई एम रिसीविंग द पैकेट वो मतलब है निष्ठ का मतलब तो यही है कि इसको सेपरेट नहीं करते हम मतलब जैसे इस वर्ब के टुकड़े कर दिए ना हमने सू माखन का टुकड़ा किया हमने सू को लास्ट में ले गए सेपरेट वर्ब को करते हैं या नहीं करते हैं मीनिंग से क्या मतलब है इसका मीनिंग से मतलब नहीं है मतलब सु माखन या फिर ये तमाम इस तरह की जो भी वर्ब हैं और भी हो सकती हैं इन वर्ब्स में हम वर्ब को दो टुकड़ों में काम में लेते हैं त्रेनन देखो बार का मतलब होता है एबल त्रेन बार मतलब सेपरेट करने लायक ऐसे ही एसन का बताया आपको एस बार खाने लायक त्रिंकन मतलब पीने लायक जागबार कहने लायक तो ऐसे जिसके भी बार लग जाते हैं जनरली ये सेंस निकलता है कि उस लायक जागबार कहने लायक त्रिंक बार पीने लायक एस बार खाने लायक है ना सो त्रेन बार वर्ब थी त्रेनन तो उसका ईएन हटा के बार लगा दिया तो इसका मतलब है सेपरेट करने लायक और निस्त्रेन बार का मतलब है ये वर्ब सेपरेट करने लायक नहीं है ये 8 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं अर फर सर बे गे एंट एम्प और मिस ये 8 ही हैं आप ये मान के चलो ये 8 ही हैं ठीक है 2-3 इस तरह के और कॉम्बिनेशन होते हैं जो डबल खेलते हैं कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते बट आप तो ये मान के चलो कि ये 8 ऐसे हैं जिनको हम लोग निस्त्रेन बार के तौर पे लर्न करेंगे प्रेजेंट के जब भी सेंटेंस बनाएंगे ना तो इस तरीके से इनको काम में लेंगे हाँ बिल्कुल यशवंत ओके सो इसमें कोई कंफ्यूजन अभी गौतम आनंद शुभी क्लियर आ रहे समझ में सुजामन माखन का मतलब है टू डू समथिंग टुगेदर साथ में मिलके कुछ करना वी माखन दा सुजामन अब जैसे सुजामन माखन है हम लोग यार साथ में चलते हैं अकेले अकेले मत चलो साथ में चलते हैं मिलके कोई गाड़ी बुक कर लेते हैं पैसे भी बचेंगे अपने और बात करते भी चलेंगे तो वी अ गेहन सुजामन सुजामन गेहन सुजामन गेहन तो मैं सेंटेंस सुजामन माखन वी आर माखन सुजामन सुजामन तो सुजामन माखन था लेकिन सुजामन लास्ट में चला गया अब यहां पे कोई चीज और भी आए योगा साथ में करते हैं वी माखन योगा सुजामन सुजामन को लास्ट में ले जाना है अपन को सेपरेट करके लास्ट में ले जाना है सुजागन का मतलब है हां करना कोई चीज की हामी भरना पापा ने हां कर दिया अब मैं भी पार्टी में आ सकता हूं माइन फाटर जाट सु मान लो इससे सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग माइन फाटर जाट सु अब आपको जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट सिखा दूंगा तब माइन फाटर हाट सु गिजाक्ट ये चीज भी सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट में लेकिन अभी आप इतना देखो प्रेजेंट में कैसे काम करती हैं ये वर्ब तो ट्रेन बार्ब वर्ब और निष्ठ ट्रेन बार वर्ब इतना ही है इसका मतलब बस सो भूल गया ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हमने सीखा नहीं अभी आप तो ये कह दो कि वो चाबी भूलता है क्या राइट तो दो तरह के आपको सेंटेंस सिखाए हां या ना वाले सेंटेंस में
वर पहले आती है तो फर्गिस्ट एयर स्ल्यूसल एक साथ ही आएगा, फर्गिस्ट ये वाले एक साथ आएंगे, फर्गिस्ट एयर स्ल्यूसल चाबी भूल जाता है क्या ये? हाँ ये तो भूल जाता है, एयर फर्गिस्ट स्ल्यूसल, इसका तो रोज का तमाशा है। क्वेश्चन बनाया आपने फर्गिस्ट एयर स्ल्यूसल तो क्वेश्चन बन गया, और कोई बोले कि तेरे पापा ने हाँ, तेरे पापा हाँ कर रहे हैं क्या पार्टी के लिए? जाग्ट डाइन फाटर सू, सू जागन का मतलब हाँ है। सो क्वेश्चन बनाना हो तो जाग्ट डाइन फाटर सू, पापा हाँ कर रहे हैं क्या? या माइन फाटर जाग्ट सू, या माइन फाटर जाग्ट सू, हाँ मेरे पापा हाँ कर रहे हैं। और फिर हम सीखेंगे पापा ने हाँ कर दी, माइन फाटर हट सू गिजाक्ट, या माइन फाटर हट सू गिजाक्ट। सो ये आपका त्रिन बार निस्त्रिन बार, इसके कुछ सेंटेंस आप और बना के ग्रुप में लिखो।